चोरी किए गए एक वाहन की तलाश में पुलिस को इलाके में एक बंद मकान के सामने दुपहिया वाहन पर एक संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब संदिग्ध से पूछताछ की तो वाहन चोरी का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक चोरी हुई संपत्ति की तलाशी के दौरान पुलिस सूत्र से जानकारी मिली कि कलमना क्षेत्र के काली माता मंदिर के पीछे के इलाके में एक बंद मकान के सामने दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम उक्त स्थान पर पहुंची तो 24 वर्षीय आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ आरिफ बंगाली आजरी माजरी निवासी का पता चला। उसके पास से एक दो पहिया वाहन भी प्राप्त हुआ, जिसकी पूछताछ करते हुए जब पुलिस ने आरोपी से वाहन के दस्तावेज मांगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगा, जिसके बाद पुलिस को आरोपी पर गहरा संदेह हुआ। वाहन की जांच की गई तो यह पुष्टि हुई कि यह एक चोरी का वाहन है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को वाहन समेत हिरासत में ले लिया एवं आरोपी को अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी से पूछताछ के बाद आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के अनुसार वाहन चोरी के अपराध को अंजाम दिया गया है। वहीं इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी अन्य कई आपराधिक मामलों में भी लिप्त है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।